नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनबो डॉट्स बाय एकता खन्ना में। इस हफ्ते मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्रिएट करूं, तो मैंने ये स्पिन द व्हील चैलेंज लिया और उसमें आया स्टिल लाइफ। और ये देख के जो मेरा रिएक्शन था, मैंने अपना लास्ट स्टिल लाइफ बनाया था वो लगभग 15 साल पहले बनाया था और मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या बनाऊं, क्या क्रिएट करूंगी, कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, उसी को जो मैंने लास्ट स्टिल लाइफ बनाया था उसी को एज अ रेफरेंस पॉइंट रखकर, घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े थे उन्हीं को रख के मैंने अपना कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लिया और मैंने उसके ऊपर फिर काम करना शुरू किया। अब काम शुरू तो कर लिया बट मैं बिल्कुल क्लूलेस थी जब मैंने स्टार्ट किया था कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं फाइनल आउटकम कैसा निकलेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कुछ नहीं पता था। बट मैंने अपना शुरू कर दिया काम और सबसे पहले मैंने बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करके बिल्कुल हल्के हाथों से अपनी ड्राइंग क्रिएट करना शुरू किया। और यहाँ पे मैं अपनी दो पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ, 2B और 6B पेंसिल्स। तो 2B पेंसिल्स मैं ड्राइंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और बाद में शेडिंग के लिए मैं अपनी 6B पेंसिल यूज़ करूँगी। तो जब हम स्टिल लाइफ बनाते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, हमें ना कुछ उसके मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। हम उसके पास तो नहीं जा सकते, हम दूर से ही बैठ के कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं, प्रोपोर्शंस लेते हैं और फिर हम अपना काम करते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं, कैसे उनको पेपर पे कॉपी करते हैं, अगर आप चाहते हो एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर भी, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, तो मैं उस वीडियो पे भी काम कर सकती हूँ। तो मेरी अब रफ ड्राइंग बन चुकी थी और मैंने अब इस पे अपनी ड्राइंग को फेयर करना शुरू किया। जो मैंने ऑलरेडी पहले लाइट लाइंस बनाई थी उन्हीं को मैंने अपना गाइडलाइंस लेकर अपनी ड्राइंग को फेयर करना शुरू किया और जो भी मेरे लाइट मार्क्स वगैरह थे उनको साथ साथ मैं इरेज करती रही। और इसी टाइम पे मैं अपने ऑब्जेक्ट्स की अपने इसमें हाईलाइट्स और शेडोज भी मार्क कर लूंगी। तो उससे क्या होगा, जब मैं शेडिंग करूंगी तो मुझे पहले ही पता होगा कि कहाँ पे मुझे पेपर को वाइट छोड़ना है, कहाँ पे मुझे डार्क टोन्स डालनी है, तो मेरे लिए काम करना बहुत इजी हो जाएगा। तब मैं अपनी 6B पेंसिल से शेडिंग करनी मैंने शुरू कर दी है। जहां जहां मेरे को शेडोज दिख रही हैं, जहां जहां मुझे डार्क टोन्स दिख रहे हैं, वहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेशर लगा के शेडिंग करूँगी और जहाँ पे मुझे लाइट टोन्स क्रिएट करने तो वहाँ मैं अपना प्रेशर हल्का रखूँगी। तो उसी पेंसिल से जब आपको लाइट शेड्स चाहिए तो आप प्रेशर बहुत हल्का रखिए, जब आपको डार्क शेड्स चाहिए तो आप अपना प्रेशर बढ़ा दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है लेयर्स में काम करने का। आप एकदम स्टार्टिंग से ही बिल्कुल डार्क टोन मत करिएगा, क्योंकि फिर बाद में जब आप उसको इरेज करेंगे या कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसको इरेज करने में बहुत दिक्कत आती है। धीरे धीरे लाइट से डार्क पर जाइए, उससे बहुत आसानी होती है और आपकी ड्राइंग में टेक्सचर भी क्रिएट होता है और आपके ऑब्जेक्ट्स में वो वॉल्यूम आता है। जैसे अब ये बॉटल राउंड है, तो अगर मैं धीरे धीरे लेयर्स में काम करूंगी, पेंसिल को कभी सीधा चलाऊंगी, कर्व में चलाऊंगी, तो वो राउंडनेस जो बॉटल की गोलाई है वो इसमें दिखेगी, नजर आएगी। और मैं अपने इसको पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज करती हूँ और ये इजीली घर में अवेलेबल भी होता है। मैं ये स्मज करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए कभी मैंने कोई टूल परचेज नहीं किया, सो मैं सिर्फ टिश्यू पेपर का यूज कर और अपने फिंगर्स का यूज कर ही अपनी पूरे इस आर्ट वर्क में ब्लेंडिंग और पेंसिल की शेडिंग को स्मज कर दूंगी। अगर आपको स्मज करने के बाद लगता है कि जो आपने शेडोज क्रिएट की थी, जो आपके डार्कर टोन्स थे वो थोड़े लाइट हो गए हैं, तो आप उनके ऊपर दोबारा पेंसिल चला सकते हैं। बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं दोबारा अपने टोन्स को डार्क करने में या अपने हाइलाइट्स को इरेज करने में, वापस क्रिएट करने में कोई संकोच मत करिएगा, क्योंकि ये जो हाइलाइट्स हैं और डेप्थ्स हैं यही हमारे आर्टवर्क में जान लेके आते हैं। आपका एक सिंगल ब्लैक डॉट या एक छोटी सी हाइलाइट आपके पूरे कॉम्पोजिशन का लुक चेंज कर सकता है, उसको बिल्कुल निखार सकता है। तो कभी भी अपने हाइलाइट्स और डेप्थ्स को नेग्लेक्ट मत करिएगा, कभी उन्हें नज़रअंदाज मत करिएगा, हमेशा उनका खास ध्यान रखिएगा।
अपने ऑब्जेक्ट्स के नीचे मैं हल्की सी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, जिससे लगे कि हाँ वो शाइनी सरफेस पे रखा है। और ये मेरा पूरा कॉम्पोजिशन तैयार है, मेरा शेडिंग वर्क स्टिल लाइफ एकदम रेडी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि एक स्टिल लाइफ वीडियो बनाइए, क्योंकि अगर वो लोग मुझे नहीं बोलते तो शायद मैं ये कभी वीडियो नहीं बनाती। जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।